गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल एक ऐसा मिशन जहाँ पर गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षा है, उसको आगे लेकर चलते हैं और सेवा भाव से यहाँ पर सेवा की जाती है मरीजों की। इसकी शुरुआत हुई और यहाँ पर एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है मरीजों को दिया गया। लेकिन आज एक खास दिन रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो मशीन्स जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी इंस्टॉलेशन की गई। ये एक्चुअली मैं तो बड़ा खुश हो गया, हैरान हो गया सारा सेटअप देख के, क्योंकि अभी मैं डॉक्टर जसजीत सिंह जी जो हमारे साबिका डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भी रह चुके हैं जम्मू के, इन्होंने मेरे को न्योता दिया, बोला कि आप आके यहाँ पे देखिए इसको और आज इसकी इनाग्रेशन आप भी पार्टिसिपेट करिए। और यहाँ पे तो मैं एक्चुअली हैरान हो गया। मेरा ख्याल था ये पहले गुरुद्वारे के पीछे ने स्टार्ट किया था, नया स्ट्रक्चर दिया है ये, उसको बहुत बढ़िया अच्छा फर्स्ट क्लास बना दिया, बड़ा वेंटिलेटेड लाइटेड अच्छी तरीके से उन्होंने इसको सेटअप किया है। और आज यहाँ पर इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड का इनाग्रेशन किया है, एक ने 500 ME का एक्सरे का इनॉग्रेशन किया है जिसमें सियाम लगा हुआ है, डिजिटल असिस्टेड है वो, यानी कि आपको प्रोसेसिंग की फिल्म की ज़रूरत है नहीं, आप उसमें सीधा ही आपका उसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। काफ़ी एडवांस्ड सिस्टम्स यहाँ पर लगाए हैं। और यहाँ देखें तो बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े अच्छे अच्छे क्यूबिकल्स बने हुए हैं, मेरे ख्याल में 7 क्यूबिकल्स बने हुए हैं जिसमें हमारे पुराने प्रसिद्ध जो हैं फिजिशियंस और सर्जन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बड़ा खुश हुआ मैं, हमारे यहाँ पर डॉयंस हैं हमारी मेडिसिन के, जैसे प्रोफेसर इंद्र सिंह जी हैं, वो आए हुए हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे OPD करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने OPD के चार्जेस तो ना के बराबर हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। और वही मैं से अभी पूछ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के क्या चार्ज होंगे, तो इनका बोलना है कि जो बाज़ार में रेट्स हैं उससे हाफ रेट्स लगेंगे। बहुत बड़ी लोक सेवा है, बहुत अच्छा लोगों का ये सेवा का दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं सबको, वंडरफुल, वेरी गुड, ट्रेमेंडस। जिस तरह से सिख धर्म में कहा जाता है कि आपको सेवा भाव रखना है, इंसानियत को जिंदा रखना है, उसी के तर्ज पर एक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखी कि किस तरह से इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए ऐसा ट्रीटमेंट जो है लोअर रेट्स पर यहाँ पर करवाया जाता है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई और लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाएगा। सर से जानूंगी और पूछूंगी कि क्या क्या खास यहाँ पर है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है? यहाँ पे जो फुल फ्लेज सिस्टम हमारे पास है वो फिजियोथेरेपी, डेंटल और अभी रेडियोलॉजिस्ट का हमने डिपार्टमेंट स्टार्ट किया आज। उसमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो मशीन्स हैं वो हमने इंस्टॉल किए हैं अभी। और यहाँ पे आईज़ का ट्रीटमेंट और 8 से 10 OPD सेंटर्स हैं हमारे पास जो रेगुलर बेसिस पे अराउंड अबाउट 300 से 350 OPDs डेली की है। यहाँ पे अगर मैं टैगलाइन पढ़ तो गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल, इसके पीछे मोटिव क्या था? ये हॉस्पिटल 1989 से चल रहा है और खालसा एड ने इसके साथ 2 साल पहले कोलैबोरेट किया है। और जो गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल का मेन मोटिव है वो ये है कि जो गुरु नानक देव जी का मैसेज है कि किसी भी कास्ट और रिलीजन का फ़र्क नहीं करना और किसी को भी कोई ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आके इलाज करवा सकते हैं। और उसी मोटिव के साथ खालसा एड ने कोलैबोरेट करके इसको आज हम एक नई स्टेज पर लेके जा रहे हैं। इसके आगे क्या क्या एफर्ट्स आप करने वाले हैं, नई शुरुआत क्या करने वाले हैं? टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, मॉडर्नाइज हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। ऑफ कोर्स ये जो टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन चल रही है और जो आज हमने मशीनें इंस्टॉल की हैं ये 15 लाख में भी आती थी और हमने जो मशीनें ली हैं वो 25 लाख के लिए, तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का पूरा सेटअप लिया है। और अगर आप स्टडी करो और मार्केट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ये मशीन्स नहीं लगा पाए अभी तक, सो वो गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल में अभी लगी है। और हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट और डेंटल को एक्सपेंड करेंगे। सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे, किसी को यहाँ पे आना? वो मैनेजमेंट आपको जो रेगुलर यहाँ पे स्टाफ है वो आपको बता सकता है। वैसे आई थिंक फ्रॉम 10 to 6 ये हॉस्पिटल वर्किंग रहता है। थैंक यू सो मच।